तो दोस्तों कैसे हो, आई होप कि दोस्तों बात रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाला है JBL का ये छोटा वाला ब्लूटूथ बॉक्स। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, ये है छोटा सा नानी से एक JBL का ब्लूटूथ बॉक्स। कलर की बात करेंगे तो ये बहुत सारे कलर में आती है दोस्तों। दोस्तों ये जो JBL का स्पीकर है, इसको आप ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो कनेक्शन की बात करके ये ब्लूटूथ की मदद से चलता है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसका साइज कैसे है। तो दोस्तों ये है इसका जो साइज़ JBL का। ये स्पीकर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और इसका साइज़ छोटा होने के साथ साथ इसका जो स्पीकर का जो वॉल्यूम का जो लेवल है वो ज़्यादा है और हाई लेवल का हमें साउंड देती है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इसके जो नीचे वाला एक ओपन का बटन है उसको प्रेस करना है और आपकी मोबाइल या लैपटॉप की जो ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना है दोस्तों। दोस्तों जब भी ये कनेक्ट होगा तो इसके साइड में एक ब्लू कलर का लाइट जलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके साइड में इसका चार्जिंग की जो पॉइंट है इसको चार्जिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसको आपकी मोबाइल के चार्जर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, और आपकी जो पावर बैंक है उसके मदद से भी इसको चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यह इसका जो चार्जिंग का जो कैपेसिटी की बात करके तो ये तीन से चार घंटे तक लगातार चलेगा दोस्तों। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है और इसका कीमत की बात करेंगे तो ये 300 में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों इसको आप ऑनलाइन खरीद करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाकर क्लिक करके आप अमेजोन से इसको खरीद कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका साउंड क्वालिटी की बात करके तो ये बहुत ही ज़बरदस्त साउंड देती है दोस्तों। तो आप इसको खरीद करके आप देख सकते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसका एक खास बात है कि इसको जो स्पीकर के साथ साथ ये माइक्रोफोन का भी काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मदद से आप साउंड भी सुन सकते हैं और माइक्रोफोन की मदद से आप किसी से भी बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक ऐसे वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।